नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे क्लास टेंथ का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 33 है और यह 25 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज भी हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी राज्य की दृश्य कल्पना कैसी थी। तो प्यारे स्टूडेंट, इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके क्वेश्चन आंसर पे हम चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखिए, इसमें जो बेहद ही आसान से चार प्रश्न दिए गए, इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम आंसर देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, जिसका आपके स्क्रीन पर आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँ चित्रित किया, जैसे कि कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र की व्यक्ति का जामा पहनते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो और राष्ट्र की अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डियर स्टूडेंट आपका आंसर है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और इसका आप आंसर लिख लीजिए। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा, तो राजनीतिक संगठन का निर्माण हुआ, समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ और मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष हुए और राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देख लीजिए डियर स्टूडेंट, इसका आपका यहाँ स्क्रीन पर आंसर आ चुका है। फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यह पहला गंभीर प्रयास था जर्मनी के एकीकरण का, इसमें इसने जर्मनी में संविधान का निर्माण किया। अंत में यह प्रयास असफल रहा, परंतु लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित करने में एवं उत्साहित करने में राह दिखाई। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है और लास्ट है डियर स्टूडेंट, राष्ट्र विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए, जैसे टूटी हुई बेड़िया जो है ना आज़ादी का मिलना है, ठीक है। जिस बाज छाप वाला कवच जो है ना जर्मनी समुदाय का प्रतीक शक्ति है। बलूत पत्तियों का मुकुट जो है ना वीरता का है। तलवार यानी मुकाबले की तैयारी का है और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह है। काला लाल और सुनहरा तिरंगा जो है ना उदारवादी राष्ट्रवादी का झंडा है। उगते हुए सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया है। आज मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, बस समय कम है थोड़ा, ठीक है, मैं कहीं व्यस्त हूँ, इस वजह से फिर भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए, आप इस वर्कशीट को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करके आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।